ये है सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर सुनना भाई, बैक साइड से लेना ऊपर से, अच्छा पूरा वीडियो बना था इसका एक। तम पाखे छाड़ी पड़ोसी बापरे विशालता देख तो। कहा समर आर पार जाए सकती रही थी इस दीवार को, कहा हवा ऐसे हो गई है, कहा है कहा नहीं है। इसमें भोरम देव के बहुत अकन मंदिर बंद है, यहाँ के अमर कंटक के काबर पता नहीं, यहाँ काबर बंद कर दे, कुछ तो गहरा राज है, कुछ रहस्य ही सोई ना कहीं। ये काला पत्थर में बने हैं विकास, बहुत बारीकी से बने हुए हैं, टूट टूटते का लाल पत्थर में उतना बारीकी नहीं है जितना काला पत्थर में आते देख। शाइनिंग है पूरा पत्थर में, बहुत ज़्यादा शाइनिंग है। आले बनाया कि जरे एक एक ठो मतलब तीन के बंद है एडी बोला जाता है यार, ईसा पूर्व 1903 ईसा पूर्व, एक एक ठो नक्काशी को दिखाया जा रहा है। हाँ
छोटो चूल से टाइम दो। फोटो खिंचवा लीजिए भैया, पूरा टेम्पू का साथ में देगा। लास्ट सर, लास्ट जो टाइम हेलो सर, 30 वाला है, 40 वाला है, 60 वाला है, 50 वाला है, 100 वाला है, नहीं मिला ना सर दो वाला। सबसे बड़ा वाला मंदिर हो गया, नष्ट हो गया, इससे दुगना हाइट है ये वाला टेम्पल, 227 फीट ये होता हाइट होता है 127, मतलब उससे दुगना बड़ा था वो। उसके टॉप में था मैग्नेट, मैग्नेट ऐसे मंदिर को बैलेंस करके रखा था। ये पत्थर देख रहा है, पत्थर का अंदर में सिर्फ लोहे का किला है, इसलिए मैग्नेट ऐसे ऊपर में है, बैलेंस करके इसको रखा। मैग्नेट जब हटा दिया तो मंदिर भी गिर गया, बैलेंस नहीं। मैग्नेट कहाँ का? इंग्रेज नहीं गए, ब्रिटिश पहले इंडिया के तो शासन करते थे वो लोग, इंग्रेज इंडिया में जितना भी था सब अच्छा अच्छा चीज़ सब लुटा के ले गए। इसी मैग्नेट था बड़ा बड़ा साइंटिफिक 53 टन मैग्नेट में 53 टन। ये देखिए ये जो आर्थ दिया है, ये आर्थिंग है पहले जमाने का, 850 साल का पुराना। ये पट्टी गया है लोहे का नहीं, तांबा का ही। तांबे का है? हाँ तांबे का। अरे ये वाला अभी मिलेगा नहीं ऐसा वाला चीज़, ये पूरा टॉप में गया। तांबे का अर्थिंग अर्थ अर्थ सपोर्ट सपोर्ट पूरा गए वो देखे थे हम लोग को सर। समुद्र का किनारे भी टेम्पल है, इतना बिजली गिरता है यहाँ, आज गिरता है, लेकिन इसका ऊपर में कभी नहीं गिरा, वो सीधा नीचे वो चला जाता, ट्रांसफर कर देते हैं सर। खंबा देखिए वहाँ, ये जो खंबा है ना कहाँ पे? अच्छा ये हाँ वहाँ से अंदर। अच्छा इसको बाद में बनाया ये वाला पुराना वाला। हाँ ये नीचे से गया है। जी 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 ये पुराना वाला, हर सीढ़ी के अंदर में इसमें और उसमें अंतर है। ये बात का है, ये पहले का है, पहले का है, इसमें अंतर है। वो ये ऐसा वाला माल वो नहीं होगा सर। वही बोल रहा हूँ पहले का है, तो बहुत काम का चीज है सर। तांबे का तांबे का है वो लोहा लगा, सबसे पुराना वाला। अंदर में कुछ नहीं, अंदर पत्थर और रेत पूरा पैक पूरा भर दी है। जैसे जगन्नाथ मंदिर गए थे? नहीं अभी जाएंगे, अभी जाएंगे। जगन्नाथ मंदिर होता है, तीन मंदिर होता है, पहला मंदिर जाके फिर अंदर जाके भगवान का बीच में खड़ा होकर जगन्नाथ का दर्शन करके फिर वापस आते हैं। उसी टाइप का एक टेम्पल को बनाया था राजा। ये जो गेट देख रहे हैं पहला वाला गेट, कौन राजा बनवाए थे? नांगुड़ा नरसिंह देव राजा, यहाँ का राजा, यही का नरसिंह देव। पुरी का राजा अलग है, कोणार्क का राजा अलग है, भुवनेश्वर राजा का अलग है, सब अलग अलग सब होता है। ये जो देख रहे हैं टेम्पल मेन गेट, अंदर में जाके बीच में खड़ा होकर भगवान का दर्शन करने का बाद में फिर वापस आप तीसरे गेट में आते थे। उसी टाइप का सर लोकेशन में बनाया, जैसे जगन्नाथ मंदिर ऐसे सन टेम्पल मंदिर भगवान। उसको फिर अंदर इसका खोलने का, खोलने का चीज़ सर देखिए, खोलने का चीज़ वो अमेरिका से आया था, बहुत सारे अच्छा अच्छा वैज्ञानिक साइंटिस्ट।
भविष्य में खुल सकता है मंदिर? टूरिस्ट तो बढ़ेगा भैया, देखिए ये वाला सबसे वर्ल्ड का फेमस मंदिर है सूर्य भगवान का, अगर ये वाला अगर काम नहीं करेगा फिर आपका समुद्र बगल में है, समुद्र का नमकीन हवा, खारा पानी, हम लोग साल में दो बार साइक्लोन होता है इधर में, एक बार हुआ था 99 में, हम लोग उड़ीसा में ज़्यादा से ज़्यादा 2,00,000 लोग आदमी शहीद हो गया था, मर गया था, हम लोग भी जिंदा चला जाता है लेकिन हम लोग को दिन का टाइप हुआ इसीलिए जिंदा है, यहाँ समुद्र का पानी इतना तक बढ़ गया, समुद्र आपका किनारे 2 माइल दूर है वो पूरा यहाँ तक, जब भी हुआ होता है यहाँ का पानी आता है इधर। अरिजी पत्थर जो हाथी घोड़ा है ये कितना साल का पुराना है, पहले जब बनाए कितना अच्छा रहता था, अभी देखिए क्लीन दिखता होगा, अभी पहले धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, लेकिन ये काले पत्थर से बने हैं सामने गेट के साइड, वो सर ग्रेनाइट पत्थर है नहीं, वो चेन्नई से आया था तमिलनाडु है ना, वो ज़्यादा क्लियर है, वो सर कुछ नहीं होगा ऐसे ही पड़ा रहेगा, हाँ वो कभी कुछ नहीं, ग्रेनाइट पत्थर भगवान का मूर्ति वो ऐसे ही रहेगा, शायद मालूम होगा नया लगाया लेकिन बहुत पुराना है, ये पत्थर ऐसा ही है, अगर पानी का समुद्र का पानी में डाल देगा वो भी नष्ट नहीं होगा, लेकिन ये वाला ये इसमें रेत है चलने का बाद में रेत थोड़ा है, ये लाल पत्थर है मिक्स है, इसमें लाल पत्थर से बनाया गया है, अरे ये पत्थर आया ये थोड़ा वो हार्ड नहीं होता है कोमल होता है, हार्ड होता है, अरे ये पत्थर आया भैया कहाँ से आया, ये राजा मंदिर को बनाया यहाँ कोणार्क में, ये पत्थर कहाँ से ला के बनाया ये तो आपको जरूर पूछना होगा ना, ये पत्थर लाया था भुवनेश्वर गए, हाँ अभी वहीं से आ रहे हैं, लिंगराज खंडेगिरी उदयगिरी धवलेगिरी जो बड़ा बड़ा पहाड़ देखा है वो पहाड़ के वहाँ से काट के पत्थर को भसा के यहाँ लाया, पहले तो गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था, ट्रेन नहीं था, ये मंदिर को बनाया कैसे, पत्थर को लाया कैसे, जो अभी है ना? तो अभी ट्रेन वगैरह है ना उससे बड़ी बड़ी मशीनें वो ये चीज वो भी नहीं बना सकता, ये चीज आज के डेट देखिए, ये सबसे बड़ा वाला टेम्पल जो था 227 फीट, ये पत्थर कैसे चढ़ा गया, एक तक तो पत्थर वो तो होता है 3 टन से उसको वो करते थे ना शायद, और थोड़ा सोचिए क्या मशीनें बनाए करते हैं वो वाला, मशीन तो सर ट्रेन से बनाता है हम लोग ना, पहले तो लकड़ी से, मेरा बात सुनिए, पत्थर से नीचे से यहाँ तक काम के दे पूरा कंप्लीट कर दिया, करने का बाद में जो रेत है मिट्टी है ना, मिट्टी और रेत दे के डाल देते शॉपिंग, और उसको ऊपर में पत्थर को खींचने के लिए चाहे हाथी हो चाहे घोड़ा हो चाहे आदमी हो लेके फिर बैठाया पत्थर को, सेटिंग किया, सेटिंग करने के बाद फिर रेत भर दिया, ऐसे बनाने का बाद में पूरा कंप्लीट करने का बाद में रेत और मिट्टी निकाल दिया, 1200 कारीगर 12 साल तक यहाँ से काम किए थे, 1200 कारीगर माने हेड मिस्त्री था, अच्छा, और उनका साथ में जो लेबर होगा नीचे का वो और बॉस थे वो हजारों में थे, पर हेड मिनिमम 5000 एक के पीछे मैं टोटल काम करते थे एक, हाँ, एक है अच्छा एक मिस्त्री के पीछे 5000 कारीगर, 1200 कारीगर जो है ना उनका साथ में लेबर ले गए टोटल 5000 लोग काम करते थे सारा दिन, आइए राजा का मूर्ति देखिए,